देश में बच्चों की चौथी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए मिली सशर्त मंजूरी। स्वदेशी बायोलॉजिकल एक कंपनी करेगी तैयार। बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा कोविड 19 का टीका। भारत में 4 वैक्सीन पर चल रहा है ट्रायल। भारत में बच्चों की 4 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन कार्बोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। कार्बोवैक्स से पहले 3 और कंपनियां बच्चों की वैक्सीन पर काम कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोरोवैक्स वैक्सीन को क्लिनिक ट्रायल देश में 10 स्थानों पर किया जाएगा। भारत में बच्चों की 4 वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। जायडस कैडिलिका की वैक्सीन जायड कोविड को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल 12 से 18 साल के बच्चों पर ही किया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्स के दूसरे तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन को 2 से 17 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। तीसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। बच्चों के लिए तैयार हो रही कोवैक्सीन का इस्तेमाल 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जाएगा। चौथी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 साल के बच्चों पर कोविड 19 वैक्सीन कार्बोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है।